दिल्ली में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। झारखंड से प्रभारी जीए मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी महासचिवों को भी बुलाया गया है। जिला अध्यक्षों का की लिस्ट मांगी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी का जल्द ही झारखंड दौरा होगा। तो कवायद में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी का गठन करने के लिए तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। अब दिल्ली में भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। कौन प्रत्याशी किस जगह से जीत दिला सकता है, इस पर मंथन किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रभारी जीए मीर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। करिश्मा जुड़ी हुई है इस मामले पर अपडेट के साथ। करिश्मा, अब पूरी तरह से चुनावी मोड में पार्टियां आती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। क्या यहां पर यह तय होगा कि किन किन इलाकों में कौन जीत दिला सकता है? जी आसिया, देखिए लगातार कांग्रेस की जो अहम बैठक है वो दिल्ली में आयोजित की जा रही है और इसी सिलसिले में स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो दिल्ली में रखी गई है, जिसको लेकर झारखंड प्रभारी जीए मीर के साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उन्हें बुलाया गया है। इसके साथ ही जो महासचिव है उन्हें भी आज दिल्ली बुलाया गया है। एक अहम बैठक जो है 4 बजे से शुरू होगी। देखिए बताया जा रहा है कि तमाम जो जिला अध्यक्ष है उनसे लिस्ट भी मांगा गया है और उन्हें ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोगों को आगे आना चाहिए, जिनका नाम जो है वो आगे आगे आ सकता है, इसको लेकर जिला अध्यक्षों को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए लगातार दिल्ली में बैठक की जा रही है क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है आसिया, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। देखिए सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल चर्चाएं नहीं हुई है, लेकिन आज ऐसा माना के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक रखी गई है उसमें तमाम जो जिला अध्यक्ष है उसके साथ प्रभारी महासचिव और अध्यक्षों को कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा निर्देश दी जाएगी कि किस तरीके से कार्य करने हैं। देखिए कांग्रेस की ओर से एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई गई है क्योंकि प्रखंड लेवल बूथ लेवल तक किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, जनता के बीच किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस का क्या विजन है इसको जनता तक पहुंचाना है, इसको लेकर लगातार जो बैठक है वो देखने को मिल रही है। देखिए आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी अध्यक्षता में यह बैठक रखी जाएगी। केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रभारी जीएम मीर और राजेश ठाकुर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। देखिए सुबह से जो बैठकों का दौर है वो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन 4 बजे से जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो देखने को मिलेगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि झारखंड में भी स्क्रीनिंग कमेटी का जो दौरा है वो हो सकता है, उसके बाद ही यहाँ के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दी जाएगी। देखिए ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई दिग्गज नेता जो है वो झारखंड आ सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी कि आखिर कौन समय में आखिर कौन नेता झारखंड का दौरा करेंगे। जी चलिए, तो पूरे तरीके से अब तैयारी चल रही है कांग्रेस में भी क्योंकि झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है, इसके लिए तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक इसलिए बुलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।